हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं संजीदा सैफी एक बार फिर वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ग्रो बैग बनाए हैं, हैंडमेक है ये मैंने इजीली तरीके से कैसे बनाया जाता है ये बनाया है अपने चैनल पे। अगर आप कहोगे तो मैं एक बार फिर वीडियो अपलोड कर दूँगी। और ये बड़े भी बनाए हैं मैंने, छोटे भी बनाए हैं। ईज़िली तरीके से आप भी अपने घर पे बना सकते हो। और इसमें छोटी छोटी कटिंग लगाई जाती है, जैसे नर्सरी वाले बनाते हैं। तो मैंने खुद ही ये जो कट्टे बोरी होते हैं, चावल के आते हैं हमारे घर में, आटे के आते हैं, ये तो कंस्ट्रक्शन में काम होने वाले कट्टे हैं, उन्हीं से मैंने तैयार किए हैं। मुझे बहुत सारी कटिंग लगानी थी इसीलिए, तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर लिया जाए। तो देखिए, आज मैं आपको इजीली तरीके से तीन तरह की कटिंग लगा बनाना बताऊंगी। और देखिए, ये क्लैंचो की कटिंग कैसे इजीली तरीके से, और ये अजवाइन का लगाया हुआ है मैंने, तो अजवाइन की कटिंग इजीली कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो वो भी देखिए फ्रेंड्स कैसे कैसे लगती है ये तीन तरह की कटिंग। और बरसात में आपको ढेरों कटिंग लगानी चाहिए। और देखिए, ये क्लैंचो की एक देसी वैरायटी है, और इसको इजीली कैसे ग्रो कर सकते हैं हम बताते हैं। और ये लीव्स से भी आसानी से ग्रो हो सकता है, और मैंने इसकी लीव्स लगाई थी कटिंग के साथ साथ। देखिए, इसकी लीव्स अच्छे से रूट, इसकी लीव्स में अच्छे से रूट डेवलप हो चुकी है। मैं इसको निकाल कर दिखाती हूँ आपको। और देखिए, ये मेरे पॉट की मिट्टी गीली है बरसात की वजह से। ये देखिए, मैं इसकी रूट अभी दिखाती हूँ आपको क्या हाल है इसका। ये देखिए, ये अच्छे से नहीं दिखाई दे रही, मैं इसको पानी में डिप कर कर देखती हूँ। ये मिट्टी है गीली इसकी, देखना। ये देखिए, ये अच्छे से इसकी रूट कितनी अच्छे से चल रही है। और इसका सर्दियों में एक अच्छा सा प्लांट तैयार होकर मिल जाएगा हमें। देखिए, इसको मैं अब यहीं पर लगा दूंगी, ताकि इस ये दोबारा से अच्छे से अपनी रूट पकड़ सके। और देखिए, वेंडिंग जियो की भी कटिंग आसानी से लग जाती है, और ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये अगर ज़रा सी भी कटिंग आप कहीं से लाते हो, अपने गार्डन में लगाते हो, तो हमेशा हमेशा के लिए ये आपके गार्डन में रहेगा। देखिए कितनी आसानी से कटिंग लग जाती है इसकी, और हैंगिंग बास्केट के लिए, और अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में कहीं पर भी आप पानी में भी ग्रो हो जाती है ये आसानी से। और मुझे बहुत सारी कटिंग चाहिए थी, इसलिए मुझे हैंगिंग बास्केट के लिए तो मैं बहुत सारी कटिंग लगाऊंगी इसकी। देखना मैं कैसे लगा रही हूँ इसकी, ये ऊपर की पत्तियाँ हैं खूबसूरत, कितनी खूबसूरत लगती हैं। ये दो तीन कलर की होती हैं, ये डार्क पर्पल होती है नीचे से इसकी पत्तियाँ। और देखिए, मैंने अजवाइन का भी प्लांट लगाया था, इसकी भी आसानी से कटिंग कैसे लगाते हैं वो बताऊंगी। वेंडिंग जियो की कटिंग देख लेते हैं पहले। देखिए, अगर आप इसकी अगर आप तो इसके कलर ग्रीन रहेगा, अगर आप आउटडोर रखोगे तो ये पर्पल डार्क में इसकी शेड नज़र आएगी आपको। ये पर्पल है नीचे से इसकी लीव्स, देखिए बहुत खूबसूरत लगता है। और ये वही ग्रो बैग है जो मैंने तैयार किए हैं, तो चलिए इसमें मिट्टी भर लेते हैं हम। वो देखिए मिट्टी कैसे तैयार की है वो देख लेते हैं। और
और ये मिट्टी ली है मैंने, और ये कोकोपीट और रिवर्स हैंड है यही सिंपल, और इसे ये गीला है तो कोई बात नहीं ये, और ये है मिट्टी। अब हमें इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। ये कोकोपीट है बैलेंस बनाने के लिए, और ये रिवर्स हैंड। जब भी आप कभी कटिंग लगाओ तो आपकी मिट्टी में मॉइस्च बना रहना चाहिए ताकि हमारी कटिंग आसानी से रूट डेवलप कर सके। ठीक है, ये हमारा मिक्स तैयार हो चुका है मिक्सचर बनके। तो अब हम अपने बैगों में इसे भर के तैयार कर लेंगे सभी बैगों में। आपको भी इसी तरह करना है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप किसी बोतल में या प्लास्टिक के डब्बे आते हैं उनमें, या दूध की थैलियाँ घर पर किचन में रहती हैं उसमें भी आप कटिंग आसानी से लगा सकते हो। और ये देखिए, ये बैग भी आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, और इसी तरह मैं अपने सारे बैग भर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मेरी मिट्टी में नमी है, आपकी मिट्टी में भी इसी तरह नमी होनी चाहिए। और देखिए, ये क्लेंचो की कटिंग हम यहाँ से काट रहे हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले ही कटिंग लगाई थी अपनी, ये अच्छे से ग्रो हो गई है इसीलिए मैं ये और लगा रही हूँ। ये देखिए, और मैं इनकी लीव्स को भी ग्रो करूँगी इन्हीं बैग में, और ये पोर्शन ऊपर से हम काट लेंगे, और ये लीव्स भी, ताकि हमारी जो कटिंग हम लगा रहे हैं जल्दी से इसमें रूट डेवलप हो सके। अगर हम ये सभी पत्तियों को ऐसे ही लगा देंगे तो जल्दी से हमारी रूट डेवलप नहीं होगी। अगर आप किसी भी चीज़ की कटिंग लगाए, किसी भी प्लांट की लगाए, तो ऊपर का पोर्शन आपको काट देना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप कटिंग लगाओगे तो इजीली आपकी कटिंग लगकर तैयार हो जाएगी। और ये लीव्स भी मैं ऐसे ही लगा दूंगी। एक होल बनाया और तो इसमें थोड़ा थोड़ा पुश किया, इसे भी ऐसे ही लगा दूंगी। और अब हम चलते हैं अपनी, ये लग गई, ऐसे लगा देंगे तो आसानी से लग जाएगी। और ये इसको भी ऐसे ही लेना है, यहाँ से कट किया। मुझे अपनी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत सारी कटिंग चाहिए थी, इसलिए मैं बहुत सारी कटिंग लगाऊंगी। ये देखिए, इसकी भी रूट डेवलप कितनी अच्छे से हो रही है। और मैं इसकी सिर्फ एक ही लीव्स हटाऊंगी, इसे ऐसे ही ग्रो बैग में लगा दूंगी। ये तो 2 से 3 दिन में ही आपको ग्रो होती हुई नज़र आ जाएगी। फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपके गार्डन में नहीं है तो आप कहीं से भी लाकर अगर एक पत्ती को लगाओगे तो आपके गार्डन से ये प्लांट कभी नहीं जाएगा। और इसकी हैंगिंग बास्केट तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, आप इसको बेडरूम में भी ग्रो कर सकते हो। एक सिंपल बोतल में लगा दोगे तो बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए, इसमें मैं 2-3 कटिंग लगाऊंगी। ये लग गई। जब भी आप किसी भी प्लांट की कोई भी कटिंग लो तो आप बहुत सारी कटिंग लगाया करो, क्योंकि अगर एक हमारी कटिंग ख़राब हो गई तो 2-3 कटिंग बनके हमारी तैयार हो जाएगी। और मैं सभी ग्रो बैग्स में लगा दूंगी, क्योंकि मुझे ढेरों कटिंग चाहिए। 2-3 बास्केट मुझे बनानी है अपने गार्डन के लिए। ये प्लांट मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है,
और ये अजवाइन का प्लांट है, ये भी मेरे पास बहुत सारे हैं। अगर आप इसको अपने गार्डन में रखना चाहते हो तो ढेरो कटिंग लगाकर खूबसूरत बना सकते हो। ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है और ये खाने में भी काम आती है और यहाँ से रूट डेवलप बहुत अच्छे से हो रही है। ये नहीं लूँगी मैं, ये देखती हूँ दूसरी वाली। यहाँ से इसको कट किया और इसको भी इसी मेथड से लगाएंगे हम। इसकी सभी लीव्स, नीचे वाली सभी छोटी छोटी लीव्स हैं, ये सब हटा लेंगे ताकि फंगस वगैरह ना लगे। ये भी इजीली ग्रो हो जाने वाली कटिंग है। ये देखिए, इसको भी आप इजीली तरीके से लगा सकते हो। अगर एक बच्चा भी इसको ऐसे लगा देगा तो ये ढेर सारे प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत लगने लगा। और इसको सावर बोतल से ही पानी देना आप। ये मेरी कटिंग लगकर तैयार है तो अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूंगी ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। ज़्यादा पानी नहीं डालना आपको कि हमारी कटिंग ही गल जाए। बरसात का मौसम है, मॉइस्चर बना रहता है। एक बार पानी देने के बाद आपको चेक कर ही दोबारा से पानी देना है। और देखिए आप अपने गार्डन में ढेरों कटिंग लगाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।